आप वो पहले मर्द हैं जिसे हमने हमारी शैतानी दुनिया में शामिल किया है, क्योंकि आपकी रगों में सबसे ताकतवर डायन का खून दौड़ रहा है। आप खान बेगम के बेटे हैं और माँ का असर तो बेटे पर होता ही है। आपको जल्द से जल्द सारी शैतानी ताकतें हासिल हो जाएगी और आपकी यही ताकतें हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाएगी। हम सब आपके सामने सर झुकाते हैं। शैतान ने आपके अंदर घर बना लिया है, अब आपको उसकी सारी ताकतें हासिल करनी होगी, क्योंकि आपको हमारे दुश्मन को मारना है। लेकिन उसके लिए आपको 3 इम्तिहान देने होंगे। जैसे आग में जलकर सोना कुंदन हो जाता है, उसी तरह इस इम्तिहान की आग में जलकर आप सबसे ज्यादा ताकतवर शैतान बन जाएंगे और आपको शैतानी तलवार हासिल होगी। और उसी शैतानी तलवार को लेकर जिसकी गर्दन पर वो निशान है, उसे खत्म करना होगा। क्या आप तैयार हैं? हाँ, मैं तैयार हूं। अब मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, उस बच्चे की मौत। फिर उसके लिए मेरी जिंदगी क्यों ना चली जाए, मुझे कबूल है। नाजिया, नहीं पसंद आया? कोई बात नहीं, हम आपको बुलाएंगे रुखसार। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा नाम है, रुखसार रजा शेख। नहीं, कोई बात नहीं, हम आपको बुलाएंगे जीनत। जीनत? नहीं, इसे तो कोई नाम पसंद नहीं आ रहा है, अभी से इतने नखरे हैं मैडम के। इस मामले में बिल्कुल तुम पर गई है। आप शैतान के बेटे हैं और हम शैतानों को बचाने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। इससे पहले कि उजाला अंधेरे पर हावी हो जाए, जाइए और पूरी दुनिया को बता दीजिए कि अच्छाई बुराई से जीत नहीं सकती। जाइए, उस बच्ची को खत्म कर दीजिए जो हमें खत्म करने आई है। वैसे ये चाहती है कि इसका नाम इसके अब्बू रखें। क्या नाम रखें? हमने जो पहले सोचा था, अरमाई। अरमाई नाम रखें? नहीं पसंद। अरमाई पसंद नहीं है? देखो। तो फिर आयरा रखते। आयरा रखें? आयरा नहीं पसंद आया इसे। हम पहले वाला नाम रखते हैं, अरमाई परफेक्ट है। नहीं, एक्चुअली इंसान नाम को चुनते हैं, लेकिन एक नाम है जिसने इसे चुना है, हम इसे नायला बुलाएंगे। उसका क्या मतलब? नायला का मतलब है जिसे अल्लाह ने चुना हो, जो बहुत ही खास और पाक हो, जैसे कि हमारी देवी नायला। दुश्मन छोटा हो तो उसे कमजोर नहीं समझना चाहिए। वो निशान वाली बच्ची अपने साथ हमारी तबाही लेकर आई। क्या आप उस निशान वाली बच्ची को खत्म करने के लिए तैयार हैं? तैयार हूँ। ये कोई मामूली इम्तिहान नहीं है, ये बहुत बड़ी कुर्बानी देनी होगी। क्या आप ये कर पाएंगे? मैं मकसद को पाने के लिए अपनी जिंदगी भी कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ, तो फिर ये तो कुछ भी नहीं। अरे मजाक की बात नहीं है, देखिए अभी एकदम चुप थी, ऐसे रो रही है ना, बेबी रोते नहीं है क्या? से... अरे अरे, अब एक मिनट पकड़िए जी, मैं कुछ करती हूँ। आ जाओ, जा, 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 जा। आराम से। ओके, ओके, ओके।
ओके एवरीथिंग इज फाइन। अरमान, हाय अल्लाह, ये खून कहां से आया? अरे वो मैं इसके लिए ब्लैंकेट लेने गया था, मेरे ही पैर में चोट लग गई। अच्छा सुनिए ना, इसे ही पहना लेते हैं। अरे वाह, इसे पहनते ही चुप हो गई, ये क्या करिश्मा है? ये मेरा करिश्मा नहीं है, ऊपर वाले का करिश्मा है। ये बहुत ही पाक तावीज है, इसे पहनाया तो चुप हो गई। लेकिन सडनली ऐसे क्यों होना शुरू कर दिया इसने? अरे बच्ची है, बच्चे तो होते ही। छोटी मुन्नी के आने से घर में कितनी रौनक आ गई है ना? हाँ। अरे आ गई छोटी मुन्नी। अरे आ गई मेरी प्रिंसेस। ए, मेरी वो है। वो क्या? अरे बस तुझे बोला ना भी वो पीली पीली से। वो खाला प्लीज, पहले ना ठीक से प्रिंसेस बोलना सीख लीजिए, फिर इसे गोद में लीजिएगा। हाँ। एक मिनट, इसको पकड़िए जरा, मैं इसका दूध रूम में भूल है। संभल के संभल के। अरे ले मेरी प्रिंसेस। हाँ। दूर आओ। ए, मुझे दे रहे। क्या कर रहे? देख उसको, दे मुझे देख के कितनी मुस्कुरा रही है। ओ खारा, ये आपको देख के नहीं मुस्कुरा रही है, बल्कि इसे देख के हम सबके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। पता है हमारी प्रिंसेस का बहुत ही ना सबके चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए हुआ है। हाँ। आपने पहला इम्तिहान तो दे दिया, लेकिन दूसरे इम्तिहान के साथ आपको ये साबित करना होगा कि आपके अंदर इंसानों वाला कोई एहसास नहीं है, क्योंकि इंसानी दिल शैतानी खेल नहीं खेल सकते। मैं हर इम्तिहान के लिए तैयार। तो साबित कीजिए। आप लोगों का दिमाग खराब हो गया क्या? अगर इसे भी कुछ हो जाता तो इंसान को जिम्मेदारी वही लेनी चाहिए जो वो निभा सके, और इसे कुछ भी हो जाए कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। सुबह जरूर आती है, मेरे साथ जो कुछ भी होना था हो चुका। अब मैं अपने गुजरे हुए कल के बारे में कुछ सोचना भी नहीं चाहती। आज से मेरी जिंदगी की एक नई शुरुआत होगी।
वेलकम बैक बीवी। आया मजा हवालात में? क्या हुआ, खुशी नहीं हुई शौहर को देखकर अपने? मुझे तो बड़ी खुशी हुई तुम्हें देख के। शेरनी मुझे पंजा मारने आई थी और भीगी बिल्ली बन गई। क्या हुआ, हंसी नहीं आई? क्या सोच रही हो, तुम्हें बाहर कैसे आ गया? कहीं मैं भाग तो नहीं गया? भागा नहीं था, रिहा हुआ हूं। अच्छा बर्ताव जो था मेरा, लेकिन मुझे एक बात का शुक्रिया अदा करना चाहिए तुम्हें। तुम्हारी वजह से शराब छूट गई मेरी। जब नशे में रहूंगा ही नहीं तो कोई मेरा फायदा कैसे उठाएगा? चाल तो बड़ी अच्छी चली थी तुमने, मगर तुम ये भूल गई, बुरे काम अच्छे लोगों से नहीं हो पाता। चाल चलना तो बुरे लोगों का काम है, इसीलिए तुम अपनी ही चाल में होने चाहिए। क्या चाहते हो तुम? वही जो मेरा है, मेरी जायदाद, मेरा बिजनेस, मेरे पैसे। पहली बार किसी दूसरे को इतना हक जमाते हुए देख रही, जो पैसा बिजनेस प्रॉपर्टी जो तुम बोल रहे हो ना, वो ऑलरेडी मेरा है, मेरे छीना नहीं है, तुमसे अपनी चीज वापस ली है। वो सब मैं नहीं जानता, एक बार जिस चीज पर मैंने हाथ रख दिया ना, वो मेरी हुई, और ये सब मैं तुमसे वापस लेकर रहूंगा। नहीं सर, अब तुम मुझे धोखा देकर मुझसे कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। खेल खेलने का शौक है, एक नया खेल खेलते हैं, बिल्कुल साफ सुथरा खेल, और देखते हैं कि जीत किसकी होती है इस बार। मारा लाओ उसे मुझे दे दो, मैं सुना दूं। अरमान पता नहीं कि मुझे तो बहुत डर लग रहा है, अगर बच्ची गिर जाती है, उसे चोट लग जाती। मारा रिलैक्स, इतना मत सोचो, आज जो कुछ भी हुआ है वो खाला और लतीफ की गलती हुई है, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। पता नहीं अरमान, मुझे ऐसा लगता है बच्ची यहाँ सेफ नहीं है, ऐसा लगता है इसके साथ कभी भी कुछ भी गलत हो सकता है। मारा हमारी बच्ची को कुछ नहीं होने वाला, यकीन करो मेरा, मैं कुछ नहीं होने दूंगा। चलो चल कर खाना। मैं तो नहीं जा रही उसे छोड़ के, वैसे भी मुझे भूख नहीं है। अरे क्यों भूख नहीं है, तुम बच्ची का ख्याल रखियो, तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? अरे हमारा घर है, हमारा कमरा है, बच्ची रोएगी तो वापस आ जाएंगे। आपने ये तो साबित कर दिया कि आपके अंदर इंसानी जज्बात नहीं रहे, लेकिन अभी एक आखिरी इसी वक्त अपना वजूद खत्म करके शैतान के आगे अपनी वफादारी साबित करता हूं। वैसे जेल का खाना था कैसा? Not bad.
तुम्हारे पागलखाने के खाने से बहुत अच्छा था। हाँ, अगर जेल में पागलखाने में जहर तो नहीं मिला था होगा ना तेरे खाने में? मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बच्चे सब गलत होने वाले हैं। कुछ बुरा, जैसे किसी से खतरा है। मैं घर में बच्चे की माँ हूँ, तुम्हारा परेशान होना जायज है, बट रिलैक्स। इस घर में बहुत कुछ गलत हो चुका है। मैं घर जाता हूँ और मैं भी आराम से बैठ नहीं रहा। मैंने मेरे घर की सीसीटीवी की नजर लगा ली है, जो कुछ भी होगा पता चलेगा। पर फिर भी मुझे डर लग रहा है। हम दोनों इस घर में एक साथ नहीं रह सकते, और जब तुम्हारा किसी और के साथ निकल जाता तब तुम्हारा भी निकल सकता। तो करवा दीजिए किसी और के साथ निकल। क्या क्या क्यों हो तुम? तो क्या क्या कहूँ अरमान में? अरमान मुझे आपके साथ साथ रहना है, और अगर अगर सिर्फ सिर्फ यही एक रास्ता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके ओके, कुछ कुछ करते, कुछ कुछ सोल्यूशन जरूर है। ओके ओके, तलवार की धार या इंसान का दिमाग हमेशा तेज होना चाहिए, फिर खुद दुनिया कदमों में होती। अब मुझे मेरे दुश्मनों को मारने से कोई नहीं रोक सकता था।